गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल सेट 2 NCERT पैटर्न पर आधारित संस्कृत। संस्कृत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण। 2021 बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है ये हमारा मॉडल सेट। मॉडल सेट 1 हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको हिंदी मॉडल सेट, सोशल साइंस मॉडल सेट, इंग्लिश मॉडल सेट, साइंस मॉडल सेट, आपको ये संस्कृत मॉडल सेट 2 है, आपको हम 5 मॉडल सेट बनाने वाले हैं जिसमें से 100% गारंटी है कि आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से आएगा। आप हमारे प्रत्येक मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। आपको हम बता दें कि संस्कृत में आपको 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं जिसमें से आपको 50 का आंसर देना होता है। 100% आपको इसी मॉडल सेट से आएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, मंडलम पाठ कहाँ से संकलित है। पहला प्रश्न है हमारा, मंडलम पाठ कहाँ से संकलित है। वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदार से। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। मंडलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंडलम पाठ जो है उपनिषद से संकलित है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ा खजाना क्या है, धन, विद्या, स्वर्ण या सत्य। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सबसे बड़ा खजाना क्या है, धन है, विद्या है, स्वर्ण है या सत्य है। आपको हम बता दें कि सबसे बड़ा खजाना जो है वो आपका सत्य है। सत्य है तो समझिए कि आपके पास सबसे बड़ा खजाना है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसे बस में नहीं किया जा सकता है। किसे बस में नहीं किया जा सकता है, आत्मा, परमात्मा, विद्या या सिंह। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो किसे बस में नहीं किया जा सकता है, तो विद्या जो है उसको आप बस में नहीं कर सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं। भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं, 3, 2, 5 या 4। तो भारत महिमा पाठ में 5 पद हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत भूमि किससे सेवित है। भारत भूमि किससे सेवित है, सागर, पर्वत, झरना, सभी। तो भारत भूमि जो है आपको सेवित है, सागर से भी है, पर्वत भी है, झरना भी है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा भारत भूमि जो है सभी से सेवित है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विद्या की रक्षा किससे होती है, सत्य, योग, पूर्ति, निर्जया। तो विद्या की रक्षा जो है सत्य से, योग या पूर्ति, निर्जया किससे होती है, ये आपका सवाल है। तो विद्या की रक्षा जो है योग से होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विनय को कौन मारता है, सुकृति, अपकृति, अकृति या अनाकृति। विनय को कौन मारता है, तो आपको हम बता दें कि विनय को अकृति मारती है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मंदाकिनी वर्णनम
पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तुलसीदास, व्यास, वाल्मीकि, कालिदास। तो आपके पास चार ऑप्शन है, तो आपको हम बता दें कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के वाल्मीकि कवि है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? रामायण, महाभारत, रघुवंश, भगवत गीता। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो अयोध्या कांड जो है आपको रामायण ग्रंथ का भाग है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यापति राशिद का विच्छेदन क्या होगा? विद्यापति राशिद का विच्छेदन क्या होगा? विद्यापति जोड़ आशित, विद्यापतित जोड़ राशिद, विद्या जोड़ पति राशिद, विद्यापतिर जोड़ आशित। तो आपके पास चार ऑप्शन है, तो विद्यापति राशिद, विद्यापति जोड़ आशित, विद्यापति जोड़ आशित। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? नि जोड़ मलम, निर जोड़ मलम, निस जोड़ मलम। तो निर्मल का संधि विच्छेद जो आपका हो जाएगा नि जोड़ मलम। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो आपको हम बता दें कि आपके पास चार ऑप्शन है, दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो विद्यार्थी में दीर्घ संधि है आपको। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष शब्द में कौन उपसर्ग है? प्रत्यक्ष, प्र आ रहा है आपको, तो प्र यानी कि पहला जो होता है वही आपको उपसर्ग कहलाता है, प्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अप उपसर्ग में कौन सा शब्द होगा? अपमान, अवमानना, अविलंब, आकार। तो आपके पास चार ऑप्शन है, तो अप में उपसर्ग जो है अपमान है, अपमान। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है? परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है? प्रचुर, प्रभाव, प्राकृत, प्राज्य। तो आपके पास चार ऑप्शन है, परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है? प्रचुर, प्रभाव, प्राकृत, प्राज्य। प्रा देखिए, प्रा आ रहा है आपको, हम बार बार बताते हैं कि उपसर्ग जब आपको बताना होगा तो पहले स्टार्टिंग में आपको देखना होता है क्या दिया है, प्रा दिया है देखिए, तो प्राजय, तो प्राजय हो जाएगा आपका। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पटना में कैमूदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में, मुगल काल वंश काल में, अशोक के समय में, अंग्रेजों के समय में। पटना में कैमूदी महोत्सव कब मनाया जाता था आपको बताना है। आपका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश काल में, जो आपको पटना में कैमूदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश काल में। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कैमूदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है?
कैमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? छठ, दुर्गा पूजा, बसंत पंचमी, गणेश पूजा। तो आपको हम बता दें कि कैमुदी महोत्सव का अवसर जो है आपको दुर्गा पूजा में दिखाई देता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? गंगा, कोसी, पुनपुन, सोन। तो आपके पास चार है, तो आपको इसमें से पता है कि एक ही आंसर होता है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो आपको गंगा नदी है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा, नीति श्लोक, भारत महिमा, बाग्रपथिक कथा। तो चार ऑप्शन है आपके पास। तो अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? सुरेश्वर, राम प्रवेश, विद्यापति, वीरेश्वर। तो चार ऑप्शन है आपके पास। मिथिला का वीरेश्वर मंत्री था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? राजा, मंत्री, शत्रु, योगी पुरुष। योगी पुरुष। तो आपको हम बता दें कि आलसियों के घर में आग जो है योगी पुरुष लगवाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, त्वा मा वद में अव्यय क्या है? त्वा मा वद में अव्यय क्या है? मा, त्वा, वद, ए और बी दोनों। तो आपके पास चार ऑप्शन है। त्वा मा वद में मा अव्यय है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसको क्या कहते हैं? कर्म, करण, संप्रदान, अमरदान। तो चार ऑप्शन है आपके पास। आपको हम बता दें कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे संप्रदान कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा संप्रदान, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मोहन व्याकरणम अधित्वान वाक्य के रिक्त स्थान में कौन पद होगा? मोहन व्याकरणम अधित्वान वाक्य के रिक्त स्थान में कौन पद होगा? मास्य, मासेन, मासे, मसात। चार ऑप्शन है आपके पास। आपको हम बता दें कि मोहन व्याकरणम अधित्वान मासेन, मासेन होगा आपका रिक्त स्थान जो है, मोहन मासेन व्याकरणम अधित्वान। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भयार्थक धातु के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? भयार्थक धातु के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी, षष्ठी, प्रथमा, पंचमी। तो आपके पास चार है, उसमें से आपको एक आंसर बताना है। देखिए, भयार्थक धातु के अर्थ में, भयार्थक धातु के अर्थ में पंचमी विभक्त है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, महान गरम का विग्रह क्या होगा? महान गरम का विग्रह क्या होगा? महानगरम, महान नगरम, महत नगरम, महतान नगरम। तो चार ऑप्शन है आपके पास। तो महानगरम का विग्रह महान नगरम होगा। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? त्रिलोकी, उपनगरम, धनश्याम, गजराज। तो आपके पास चार ऑप्शन है। कर्मधारय समास जो है धनश्याम का उदाहरण है, धनश्याम का उदाहरण है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रस्य पति का समस्त पद क्या होगा? राष्ट्रस्य पति का समस्त पद क्या होगा? राष्ट्रनम, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति, पतिनाम। तो आपके पास चार ऑप्शन है। राष्ट्रस्य पति का समस्त पद राष्ट्रपति होगा, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दाता शब्द के पंचमी एक वचन का रूप कौन है? दाता शब्द के पंचमी एक वचन का रूप कौन है? दात्रम, दात्री, दातुअ, रात्रे। तो दाता शब्द के पंचमी एक वचन दातुअ है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अस्माकम शब्द का मूल शब्द क्या है? अस्माकम शब्द का मूल शब्द क्या है? स्मुद, एतत, अस्मत। तो चार ऑप्शन है आपके पास। अस्माकम शब्द का मूल शब्द क्या है? स्मुद, एतत, तत, अस्मद। तो आपको बता दें कि अस्माकम शब्द का मूल शब्द जो है अस्मदत है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नदी शब्द के तृतीय एक वचन क्या होगा? नदी शब्द के तृतीय एक वचन क्या होगा? नदीना, नदीमा, नदो, नदा। तो चार ऑप्शन है आपके पास। नदी शब्द के तृतीय एक वचन, नदी शब्द के तृतीय एक वचन नदा होगा, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रियों में प्रमुख कौन है? आपका प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रियों में प्रमुख कौन है? गार्गी, विद्याड़का, पंडिता, क्षमाराव, ऊर्ध्वसी। तो आपके पास चार ऑप्शन है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रियों में पंडिता क्षमाराव प्रमुख है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी, सुलभा, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा। तो चार ऑप्शन है आपके पास। तो यज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा देवी के पति कौन थे? दंडी, जनक, चंद्रित्य, कंपनराय। तो चार ऑप्शन है आपके पास। गंगा देवी के कंपनराय पति थे, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? अक्षरांब, वेदरांब, उपनयन, समावर्तन। तो चार ऑप्शन है आपके पास, आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार
अच्छा, राम थे, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, मरने के बाद कितने संस्कार हैं, 1, 3, 5 या 6? तो आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, मरने के बाद कितने संस्कार हैं, तो मरने के बाद आपको सिर्फ एक ही संस्कार है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 4, 6, 8 या 10? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो कर्मवीर राम प्रवेश के राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या 4 थी, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? तो आपको हम बता दें कि आपके पास 4 ऑप्शन है, राम प्रवेश राम, राम नरेश राम, राम अवधेश राम, दुखित राम। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो राम प्रवेश राम ख्याति सभी जगह गूंजने लगा, आपका आंसर हो जाएगा राम प्रवेश राम ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? कोलकाता, मुंबई, पटना, चेन्नई। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। स्वामी दयानंद ने मुंबई आर्य समाज की स्थापना की, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था, गुजरात, बिहार, राजस्थान या पंजाब? किस राज्य में हुआ था आपको बताना है स्वामी दयानंद का जन्म? तो आपको बता दें कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दा दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, आपको बताना है। तो ददती, दद, ददामी, ददाती। तो दा ददी ददाती, तो ददाती जो है आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पा धातु के लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन का रूप कौन है? पिबतु, पिबसी, पिब, पिबह। तो आपके पास है 4 ऑप्शन है, पा धातु के लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन का रूप जो है आपका पिब है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गम जोड़ वत्वा से कौन शब्द बनेगा? आगमय, गत्वा, गमित्वा, गृहित्वा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। गम जोड़ वत्वा से गत्वा शब्द बनेगा, गत्वा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पठनम में कौन प्रत्यय है? पठनम में कौन प्रत्यय है, अच, कत, सत, ल्यूट। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आपका आंसर हो जाएगा, पठनम में ल्यूट प्रत्यय है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लघु जोड़ तरफ में कौन शब्द बनेगा? लघु जोड़ तरफ में कौन सा शब्द बनेगा, आपको बताना है। तो लघु जोड़ तरफ में लघुता, लघुवम, लघुतरम, लघुतमम। तो आपके पास तो 4 ऑप्शन है, तो लघु जोड़ तरफ में लघुतरम शब्द बनेगा, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मधु जोड़ सस्य से कौन सा शब्द बनेगा?
मधु जोड़ यज्ञ से कौन सा शब्द बनेगा? माधुरी, मधुर, माध्यम, मधुयम। तो मधुर शब्द, मधुर यज्ञ से शब्द जो आपको बनेगा वो आपको मधुयम बनेगा। आपका आंसर हो जाएगा 80 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बाघ कहाँ खड़ा था? बाघ कहाँ खड़ा था? नदी के किनारे, झील के किनारे, झरना के पास, तालाब के किनारे। तो बाघ जो है आपको झरना के किनारे, झरना के पास खड़ा था। झरना के किनारे नहीं, झरना के पास खड़ा था। आपका आंसर हो जाएगा C नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बाघ के हाथों में क्या था? बाघ्र के हाथों में, व्याघ्र के हाथ में क्या था? संस्कृत पुस्तक, रजत कंगन, स्वर्ण कंगन या गज? व्याघ्र के हाथ में जो है स्वर्ण कंगन था। आपका आंसर हो जाएगा 80 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? आकर्षक, उत्कर्ष, आकर्ष या प्राकर्ष? तो चार ऑप्शन है आपके पास। तो एक देश जो है दूसरे देश को देखकर उत्कर्ष जलता है। आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, असहिष्णुता कौन पैदा करता है? असहिष्णुता कौन पैदा करता है? स्वार्थ, परमार्थ, देश, प्रसन्नता। तो चार ऑप्शन है आपके पास। आपका आंसर हो जाएगा देश, 3 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राजन जोड़ डीप से कौन सा शब्द बनेगा? रानी, रागी, पटरानी, कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है आपके पास। तो राजन जोड़ डीप, रागी आपका जो आंसर होगा 2 नंबर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देवी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? डीप, डिस, डीन, टाप। तो आपके पास जो है चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देवी में डीप स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ई अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? ई अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? या। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नीर जोड़ उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? नीर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? आपको बताना है। नीरज, निर्गुचति, निवासति, निष्काम। तो नीर उपसर्ग से जो है निर्ग यानी कि निर्गुचति होगा। आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आधार में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय, प्रथम, अधिकरण या षष्ठी? तो आपको हम बता दें कि आधार में अधिकरण विभक्ति होती है। आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है हमारा, अव्यविवाह समास का उदाहरण कौन है? अव्यविवाह समास का उदाहरण कौन है? खेलन रतन, महापुरुष, उपगणम, त्रिलोचन। चार ऑप्शन है आपके पास। आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, उपगणम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाले रक्षक कौन थे? कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाले रक्षक कौन थे? आपके पास चार ऑप्शन है। तो कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाले रक्षक जो थे आपको, कवच और कुंडल या गदा। तो कर्ण के जन्म से सदा साथ में जो है आपको कवच और कुंडल था। आपका आंसर हो जाएगा 80 नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कवच और कुंडल किसके पास था? कवच और कुंडल किसके पास था? इंद्र, भीष्म, कृष्ण या कर्ण? आपके पास चार ऑप्शन हैं। तो अभी आपने इसके पहले सवाल देखा, कवच और कुंडल कर्ण के पास क्या था? तो कवच और कुंडल था। तो इसमें आपका प्रश्न है, कवच और कुंडल किसके पास था? तो कर्ण के पास था। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, गौतम, कणाद या पतंजलि? तो आपको हम बता दें कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है वो आपको गौतम है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? व्यास, प्राणी, चाणक्य, आर्यभट्ट? तो आपके पास चार ऑप्शन है, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो व्याकरण में जो है आपको प्राणी प्रसिद्ध है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, मॉडल सेट तो आप पूछिए ही मत, बिहार बोर्ड के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे प्रत्येक मॉडल सेट को रट लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपका रिजल्ट आएगा, आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा फुल्ली, अगर आप हमारे प्रत्येक मॉडल सेट को रट लेंगे तब। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला मॉडल सेट आपको, मॉडल सेट 3 बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले मॉडल सेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।